रामफन मल्लर जी का शहीदों को दर्जा के लिए जो अपना अमित शाह जी हैं केंद्र में जो दिल्ली में बैठते हैं उसने गृह मंत्री वो बिहार में हम लोग को कई सभा में गए उसने और उसने भी इस चीज़ को पेश किया है, प्रस्ताव रखा है जो शहीदों का दर्जा जिस तरह हमने सुभाष चंद्र बोस को चाहे अन्य सभी को दिए हैं इस तरह उनको भी सम्मान दिया जाएगा। तो इस चीज़ को उसने अमित शाह जी ने उसने आश्वासन दिया है। सचिव होने के नाते मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस संबोधित में आए हैं। मैं एक ही सरकार और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि अमर शहीद रामफल मंडल जी उन्होंने भी अपनी बलिदान जो है देश को आज़ाद करने में दिए थे जो खास करके हमारे धानुक समाज के थे। तो देखे हैं कि सभी समाज कार्यकर्ता को जो मानकर चलो एक दर्जा मिल चुकी है, एक धानुक ही ऐसे जात है जो जिनको अभी तक एक स्तर से जो है दर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार बिहार सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इस पर पुनः विचार करें। आज जबकि बिहार में कई रैली हो चुके हैं, अमित शाह जी इसकी आश्वासन कई बार दे चुके हैं कि इनको दर्जा मिलेंगे। झंझारपुर के लोकसभा क्षेत्र के झंझारपुर के जो माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं उन्होंने भी सदन में इसकी चर्चा किए थे। तो सदन में चर्चा होने के बावजूद भी जो है इस पर जो है स्पीकर जी ने आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द इन पर जो है विचार किया जाएगा। उसी के चलते हम लोग जो है अलग अलग संगठन के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में जो है अमर शहीद रामफल मंडल जी को जागरूक जनता को जागरूक करके एक संगठन के तौर पर हम दर्जा की मांग कर रहे हैं। इसका जो प्रोग्राम है माननीय स्वर्गीय धानुक विकास सेवा संघ के महाराष्ट्र इकाई की तरफ से स्वर्गीय रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पर हम लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज तक काफ़ी समय से बहुत जगह आवाज़ उठाए, हम लोग यही आशा रखते हैं आप मीडियाकर्मी के माध्यम से कि सरकार तक ये आवाज़ जाए और रामफल माननीय रामफल चौधरी जी सॉरी रामफल मंडल जी को शहादत की दर्जा मिले, यही कहना चाहते हैं। इस संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग का एक ही मांग है शहीद रामफल मंडल जी का शहीद का दर्जा देना। आज 80वां शहादत समारोह शहीद रामफल मंडल जी के मनाया जा रहा है। धानुक विकास सेवा संघ की ओर से हम लोग सब हर साल आज 8 साल से शहादत समारोह मना रहे हैं। हमारा एक ही आवाज़ है जो जितने भी शहीद हुए थे देश छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस टाइम पे शहीद रामफल मंडल जी शहीद हुए थे, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो हमारा लड़ाई एक ही है, जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ट्रिब्यूट था रामफल मंडल जी के शहादत के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा जो है समाज की तरफ से धानुक समाज की तरफ से ये पहल की गई है, क्योंकि अभी जैसे कहा कि जब आज़ाद हुआ था हमारा देश उससे पहले शहीद रामफल मंडल जी ने अपनी कुर्बानी दी थी मात्र 19 वर्ष की आयु में। लेकिन अफसोस है, हमारा दुर्भाग्य कहिए कि अभी तक उनको दर्जा नहीं मिला है शहीद का। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जितना ही मायने गांधी जी रखते हैं, जितना ही मायने सुभाष चंद्र बोस जी रखते हैं, उतना ही मायने हर वो शहीद रखते हैं जो अपने देश के लिए जिन्होंने जान दी है। उसी में हमारे अमर शहीद रामफल मंडल जी हैं, उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और खुशी मुझे इस बात की है कि समाज एकजुट हुआ है और संघ ही आदरणीय सांसद हैं अभी झंझारपुर के रामप्रीत मंडल जी, उन्होंने पहली बार संसद में इस बात को रखा। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि चलो संसद में किसी ने तो इस बात को रखी है। और इस बात से उम्मीद रखा जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो सभी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ज़रूर उसका परिणाम निकल के आएगा और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं या जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उनका शहादत दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन उनके परिवार की भी एक बार मनोदशा देखिए, दुर्दशा देखिए, क्योंकि वो अभी सुना है मैंने कि बहुत दयनीय स्थिति है और अशिक्षित है। और जब हमारे देश के लिए जिन्होंने जान दिया उनका परिवार अगर अशिक्षित है और उनका परिवार अगर गरीबी से जूझ रहा है तो व्यर्थ है सारी चीज़ें
जो हम कर रहे हैं वो सभी चीज़ें व्यर्थ है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जितने भी दर्शक हैं उनसे और जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी धानुक समाज है या धानुक समाज से परे लोग हैं, क्योंकि देश किसी एक जाति का नहीं है, सभी का है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ उनके परिवार की दशा को एक बार देखिए। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगले वर्ष जब मैं आऊँ तो इस बात की खुशी लेके आऊँ कि उनका नाम जो है वो शहीदों में अमर। सभी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं प्रियंका मौर्य आप सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने अपने जान की कुर्बानी, सबसे मतलब महत्वपूर्ण कुर्बानी होती है, अगर इंसान अपनी जान देके इस देश को आज़ाद कराता है तो उसको उसका फल मिलना चाहिए। और मैं इतने आक्रोश भरे सारे लोगों ने शब्द कहे हैं, मुझे उम्मीद है बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी से कि इस जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे जो भी हमारे रामफल मंडल जी इस देश के लिए आज़ादी से पूर्व जो उन्होंने अपने देश के लिए जान दी हैं, अपना सही आत्मसमर्पण कर दिया है ताकि हमारा देश आज़ाद हो, उन्हें ये बिल्कुल मिलना चाहिए और उनका जो अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। और उनके परिवार के लिए शहीद, अमर शहीद मिलना तो ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर किसी ने अपनी जान की कुर्बानी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए दिया है तो उस दिया है उसे व्यर्थ तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनके परिवार के लोगों को ये सपोर्ट मिलना चाहिए और ये पूरा मंडल परिवार, पूरा धानिक, ये जो धानुक विकास सेवा संघ है, ये सारे लोग मिलके ये कर रहे हैं आंदोलन। इसके लिए मुझे बहुत खुशी एंड गर्व है कि ये सारे लोग एक कहो के और ये सारे चीज़ों को कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले हम आप सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आए और हमारे धानुक विकास सेवा संघ कार्यक्रम को कवर किए, और आप लोगों के विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अपील करना चाहते हैं कि बिहार के प्रथम शहीद रामफल मंडल जी, जो 1942 में भारत के लिए शहादत दिए थे, लेकिन दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि एक शहीद को शहादत के लिए हम लोगों को, पूरे धानुक समाज को एकजुट होकर और उनके नाम को शहादत की लिस्ट में जुड़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये पूरे भारतवर्ष की दुर्भाग्य की बात है कि एक शहीद को शहादत का दर्जा दिलाने के लिए जब हम लोगों को संघर्ष करना पड़े तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसलिए आप विभिन्न मीडिया कर्मियों और आपके विभिन्न चैनलों के माध्यम से हम पुनः बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अपील करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से अगर उन तक हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये अगर लाइव देखें तो, या उनके माध्यम, उनके पास जैसे भी हमारा ये कार्यक्रम का ये प्रसारण जा रहा, मैसेज जा रहा है, तो उनसे विशेष प्रकार से हमारे पूरे धानुक समाज की तरफ से अपील है कि शहीद रामफल मंडल जी को शहादत का दर्जा दिया जाए।